हेलो अस्सलाम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं बहुत दिनों के बाद एक वीडियो बना रहा हूँ, बल्कि हफ्ते और शायद महीने भी हो गए होंगे। तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि मैंने अपनी साइकिल पे कौन कौन से मॉडिफिकेशन किए हैं। तो पहले तो जो मैंने मॉडिफिकेशन किए हैं जो मैं आपको वो दिखाता हूँ, फिर उसके बाद जो चीज़ें ख़राब हुई हैं वो भी दिखाता हूँ। असल में मेरा एक्सीडेंट हो गया था तो साइकिल पर वो ऐसे वही समझना, तो मैं आपको अभी साइकिल दिखाता हूँ। तो गैस अभी जो मैंने अपनी साइकिल को मॉडिफिकेशन किए हैं, तो चलो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो गैस ये मेरी साइकिल में थोड़ा अच्छी तरह देता हूँ, ये मेरी साइकिल है, मैंने जो उसमें मॉडिफिकेशन किया, मैंने ये फ्रंट पे देख रहे हैं, ये मैंने बनवाई थी, मैंने फिक्स कराई, ये खराब हो गई, और ये मैंने मडगार्ड लगवाई ये आगे और पीछे। और अभी मैं इसका मेरा एक्सीडेंट हुआ था जो मैं आपको बता रहा था, उससे ना ये ना थोड़ा खराब हो गया, तो अभी तो मैंने इसको ठीक कर दिया। पहले ना ये बीच में मतलब बहुत जोर लगाना पड़ता था, ये रुक जाता था बीच में, ये लाइक ऐसे ताकत लगा पड़ी थी। और मैं जब गिरा इसमें मतलब मैं काम कर रहा था, मैं आपको सेकंड स्टैंडिंग थी, उसके नीचे रखना पड़ता था। तो जब यार थोड़ा फोन ऊपर करता हूँ, जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो तब मैं जो थोड़ी चोट लगी थी वो तो ठीक हो चुकी है। उसके बाद जब मैं साइकिल को ठीक कर रहा था तो मुझे एक और चोट लगी थी, ये देख लें, ये अभी मैं ना अपनी फिंगर को नीचे ऊपर नीचे कर रहा हूँ ना, तो ऐसा लग रहा है कि कोई जोर से इस फिंगर को पकड़ रहा है। और उसके बाद अच्छा दो मिनट, और जब मैं फिंगर को ऊपर कर रहा हूँ ना तो फिर बहुत दर्द हो रहा है। तो चलो अभी मैं कंटिन्यू आपको साइकिल दिखाता हूँ। तो गाइस जब मैंने साइकिल ली थी तो तब मैं इधर थोड़ी पिक्चर्स शायद मैं अगर मुझे मिली तो मैं रख दूंगा, वरना आप ऐसे इग्नोर करना, मैं पिक्चर्स रख दूंगा अगर मुझे मिली तो। तो तब जब मैंने साइकिल ली थी उसकी उस टाइम की पिक्चर्स हैं ये। तो अभी मैं साइकिल को थोड़ी देर रखता हूँ, लाइक ऐसे दीवार पर अटका देता हूँ। तो ये साइकिल में मैंने मडगार्ड्स लगवाए थे, यहाँ से ये एडजस्ट भी हो जाते हैं ऐसे करके, इसको नट है इसमें ये मूव होता है जैसे, ये देखो जैसे मूव हो रहा है ना, और फिर मैं इसको एडजस्ट कर सकता हूँ मैं ऊपर नीचे। और अगर मुझे बहुत नीचे करना होगा यार, तो असल में ना मुझे चोट लगी हुई है फिंगर में, तो मैं इस वाले हाथ से कुछ कर नहीं सकता क्योंकि मुझे दर्द हो रहा है। तो मैं सारा कुछ इस वाले हाथ से कर रहा हूँ, इसको पकड़ना पड़ेगा पहले। अच्छा यार ये टच कर रहा है टायर में, तो मैं वीडियो बंद करके फिर से आपको दिखाता हूँ। तो अभी मैंने इस मडगार्ड कुछ इतना ऊपर कर लिया है कि थोड़ा नीचे जाएगा तो हाँ, तो मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ कि मुझे वो चोट कैसे लगी थी। तो मैंने ना साइकिल को उल्टा रखा हुआ था क्योंकि मैं इसमें थोड़ा ऑयल ऐड कर रहा था, तो ये ना जैम हो गया था तभी ये मूव नहीं हो रहा था, तो मैं इसमें ऑयल ऐड किया था, अभी ये और भी पहले से ज़्यादा भी स्मूथ हो गया। तो पहले जब फिर ना टेस्ट कर रहा था इसको, मैं उल्टा करके बहुत तेज चला रहा था, ये टायर चल रहा था, मैंने ना अपनी दूसरी बार फिंगर जो है इसमें डाल दी और मैं ऐसे कर रहा था, उसमें हाथ इधर अंदर चला गया, ये यहाँ से फुल अंदर यहाँ चला गया, मैंने अचानक से निकाल दिया, फिर ये रिजल्ट आया मेरी उंगली का। और मुझे पता नहीं क्या आपको जो अभी पता, मैं अभी इसको फ्यूचर अपडेट्स आपको बता देता हूँ मैं इसमें क्या क्या करवाऊँगा। शायद मे बी मैं इसमें रेयर जो ब्रेक है डिस्क वाली वो मैं शायद बनवाऊँ, और सीट भी मैं नहीं लगाऊंगा इसमें, ये जो है ना आप देख रहे हैं इसमें ना मैं थोड़े स्टिकर्स खरीदूंगा, यहाँ पे स्टिकर्स लगा दूंगा जहाँ पे ये मैं पेंट करने की कोशिश की थी। पहले मैंने क्या करा था, मेरे पास सिल्वर पेंट था ना, तो मैंने टेप लगा के मैंने कहा चलो ऐसे ऐसे पेंट करता हूँ, फिर मैंने पेंट किया तो मैंने देखा ब्लैक पे ना सिल्वर अच्छा नहीं लग रहा, तो मैंने वहाँ पर छोड़ दिया। फिर मैंने बहुत कोशिश की इस पेंट को हटाने पर नहीं हट रहा था, तो ये यहाँ पर भी देखे मैंने किया था ऐसा। पर इस साइकिल की मॉर्गन कंपनी है मॉर्गन, और उसमें सस्पेंशन भी गिवन है, फ्रंट शॉक्स भी हैं, मिडिल में भी है, एक फ्रंट वाले भी काम करते हैं, ऐसे नहीं है ख़राब है, फ्रंट वाले भी काम करते हैं। ये मैं अच्छा दिखा देता हूँ, अभी कैसे दिखाऊं, ये देखें फ्रंट वाले भी काम करते हैं, ख़राब नहीं है। और इसका हैंडल भी मैंने बनवाया था, ये सारा जो मसला है ना साइकिल की, ये रियर डिस्क ब्रेक पे जाता हुआ था, वरना मैं फ़ोटोज़ डाल दूँगा यहाँ पे, अगर नहीं मिली तो आप इग्नोर करना, अगर मुझे मिली तो मैं डाल दूँगा। और ये देखें पूरा रश लगा हुआ है आगे टायर में, तो दो मिनट मैं कुछ कैमरा एडजस्ट करना है।
तो यार मैंने कैमरा एडजस्ट कर दिया है, तो ये आप देख रहे हैं ना, ये बहुत ऑयली ऑयली सा है। मैं दिखाऊं तो कितना ऑयल लगा हुआ है, क्योंकि मैंने बहुत इसमें ऑयल लगा दिया था। मुझे ना इसको टाइट भी करना है, क्योंकि आप देख सकते हैं ये, और ये और फिर उसके बाद ना मैं शॉप पे गया, ये दोनों लगवा दिए। फिर मैंने अंकल से पूछा इसमें आगे वाला पीस नहीं आता, उसने ना आपकी साइकिल में यही आते हैं। मैंने कहा ऐसा तो नहीं होता, मैंने कहा बस हमारे पास ऐसे ही है, तो आपकी साइकिल के यही हैं ये। तो मैंने कहा चलो लगा दो, ये असल में 230 रुपीज़ के हैं, और ये एक लॉक भी है जिसकी चाबी खो चुकी है। मैं ढूंढूंगा ये लॉक है जिसकी चाबी खो चुकी है। ये मैंने ख़रीदा था शायद पता नहीं कितने का था, मेरे अबू लेके आए थे, मुझे याद तो नहीं है, शायद 150 वैसे ही कोई था। और ये जो सीट है 2 मिनट गाइस, तो मैंने कैमरा एडजस्ट कर दिया थोड़ा, शायद मैं इसको टाइट करूँगा वीडियो के बाद, तो मुझे चोट लगती है। ये ना थोड़ा यहाँ से जाके ऊपर है तो उससे चोट लगती है, और ये हैंडल सरफेस है, यहाँ से ना ये पूरे देखें हैंडल पे ना पूरे पेंट उतर चुका है, यहाँ पर मॉर्गन लिखा था ये भी उतर चुका है। फिर ना जब मैंने इस दफे ना टाइट करवाने गया था, ब्रेक बनाने गया था, उन्होंने कहा था इसमें पता नहीं अंदर एक रबड़ होता है वो आपका ख़राब हो चुका है, कि यहाँ पे जो रबड़ होता है एक ना वो यहाँ से नहीं मिलेगा, मार्केट से मिलेगा। तो मैंने कहा चलो अभी ऐसे ही नॉर्मल ब्रेक बना दो, मैंने बनवा के इसमें पूरा रस लग चुका है, क्योंकि मैं चलाता नहीं हूँ ना। और ये देखें फ्रंट टायर में भी रस लगा हुआ है, कैमरा आया थोड़ा गोरिल्ला पोड़ रही है, खराब होने वाला है। उतर जाऊँ साइकिल पे बैठ ही गया, तो चलो मैं साइकिल पे बैठ के गैराज में चलाता हूँ। देखो मैं साइकिल पे ना ट्राईपॉड को लगाने की कोशिश कर, बस मैंने साइकिल पे माउंट कर दिया है, उनसे ही सब माउंट कर दूँ। तो चलो मैं गैराज में थोड़ी चलाता हूँ, गैराज भरा है ना, चलो भी चलाते हैं गैराज में। मुझे डर लग रहा है, पहले ही मेरा फ़ोन टूटा हुआ है सारा। देखो हम जा रहे हैं, तो मैं अभी ब्रेक टेस्ट करता हूँ। ब्रेक हार्ड, ये ब्रेक ना हार्ड नहीं लग रहे, तो चलो इसकी वापस पार्किंग वाली जगह पे रखते हैं। फिर मैं थोड़ी देखता हूँ कि मैं बाहर अगर चला सकता हूँ बस साइकिल, बाहर भी ले चलते हैं। तो अभी मैं इसको निकाल देता हूँ यहाँ से। तो ये है कुछ साइकिल, थोड़ा बैठ के आपको दिखा देता हूँ कि कैसे फील आती है। पैडल पे पाँव रखा और ये चल पड़े। यहाँ पे बस छोटी सी जगह है जहाँ पे मैं चलाता हूँ, मैं बाहर जा सकता हूँ क्या अगर ये, चलो मैं ना इसमें लगा के देखता हूँ, अगर मैं फिर देखता हूँ बाहर जा सकता हूँ या नहीं। गाइस तो अभी मैं बाहर जा रहा हूँ साइकिल के, थोड़ा गली के एंड तक मैं आपको चला के दिखाता हूँ साइकिल। दरवाज़ा खोला और ये हम आगे बाहर, शायद बस दुआ करो मेरा फ़ोन गिर ना जाए यहाँ से, तो अभी बाहर चलते हैं। यहाँ थोड़ा ऊपर सा, चलो अभी चलते हैं गाड़ी को जाने दो, तो चलते हैं आराम से आराम से। तो यार मैं थोड़ा इसको थोड़ा और एडजस्ट कर लेता हूँ, इतना हिल रहा है थोड़ा, चलो इसको एडजस्ट करते हैं। तो चलो अभी बाहर चलते हैं, कैमरा का थोड़ा एंगल्स ठीक करो। हाँ चलो अभी साइकिल के ना ये रबड़ की आवाज़ है जो, जैसे आपने मैंने आपको बताया था, तो अभी हम चला आ रहा हूँ साइकिल में, चलो थोड़ा आगे तक चलते हैं। और ये है साइकिल आज की, थोड़ा एंगल ठीक करनी है, चलो अभी वापस चलते हैं। क्योंकि मुझे अभी ना मैं ट्रस्ट नहीं कर सकता इसको, ये फ़ोन भी गिर सकते हैं, तो चलो चलते हैं वापस। मैं वापस आ चुका हूँ, तो ये है अपना घर, बाहर से थोड़ी चला ली मैंने। चलो अभी एक हाथ से चलाते हैं और आपको थोड़ा कंटेंट देता हूँ मैं, तो चलो एक हाथ से चला के देखता हूँ। चलो पहले मैं साइकिल कैमरा का फेस इस तरफ करूँ, पीछे से कोई नहीं आ रहा। चलो अभी थोड़ा तेज़ चलाते हैं पहले, तो
तो अभी मैं, मुझे पसीना आ रहा है, मैं हाथ छोड़ के पहले पसीना साफ कर रहा हूँ। तो अभी मैं, चलो इस गली के एंड से वापस आते हैं, देख लें यहाँ के सामने के हैं, वहाँ पे शायद किसी ने कुछ जलाया है तो मिट्टी आ रही है वहाँ पे। चलो तो अभी मैंने चला लिया, तो मैं गली से, गली के मतलब दूर नहीं जाना चाहता, बस यही पॉइंट है। तो गली के एंड से मैंने चक्कर लगा लिया, ये लोग भी देख रहे हैं, ठीक है तो वापस चलते हैं। यू भी ड्राइविंग तो करें ना यार, ये लोग भी कह रहे होंगे ये क्या कर रहा है, ये फ़ोन कम पकड़ गई, इसके नीचे क्या लगा हुआ है, एक हाथ से साइकिल चला रहा है। चलो वापस चलते हैं, ताकत ताकत। ओ आ गए वापस, ऑटो ऑटो, हम वापस आ चुके हैं। मैं पसीने से भीग चुका हूँ क्योंकि बाहर गर्मी है, तो वापस आ चुका हूँ। बाहर धूप तो नहीं है पर तभी भी गर्मी है, तो यही है मेरी साइकिल, ये है मेरी साइकिल, मैं इसको थोड़ा हटा देता हूँ, बस ही अपना काम कर लिया। तो यही है मेरी टोटल साइकिल, ये ठीक हो चुकी है, पहले तो जो मैं जब मैं गिरा था तब तो ख़राब हो चुकी थी। ये मैं थोड़ी देर के बाद इसको थोड़ा वॉक वीडियो गाइन करता हूँ। तो आई होप आपको मेरी साइकिल पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाना। और आपको पता है सिर्फ 64% जो सब्सक्राइबर्स हैं वही वीडियो देखते हैं और 34% नहीं देखते, मतलब देखते हैं वो सब्सक्राइब नहीं करते, जो जो भी वो है जिसे बिना सब्सक्राइब के करके वीडियो देखता है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। अल्लाह हाफिज़।